वो न्यारा राजा बनना है। यस, यू हैव टू बिकम अ डिटैच्ड किंग। परंतु सबसे न्यारा बनने के लिए प्यारा बनना पड़ता है। बट यू हैव टू बिकम डियर इन ऑर्डर टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम एवरीवन। जिसके मुकाबले में ऐसे अधिक प्यारे न हो। यू शुडंट बी डियरर देन दैट। परमात्मा न्यारा है, तभी सबको प्यारा लगता है। द सुप्रीम सोल इज डिटैच्ड, ओनली देन ही अपीयर्स डियर टू एवरीवन। अब परम पाटधारी परमात्मा निराकार हो या साकार हो, न्यारा तो होता है। नाउ वेदर इट इज द इनकॉर्पोरियल और द कॉर्पोरियल सुप्रीम एक्टर सुप्रीम सोल, ही इज सर्टेनली डिटैच्ड। जो न्यारे सबसे प्यारे बनेंगे, सबके साथ प्यार से चलेंगे। द डिटैच्ड वंस हु बिकम द डियरेस्ट, दोज हु लिव इन हार्मनी विथ एवरीवन। तो धीरे धीरे न्यारे बनते जाएंगे। दे विल कीप बिकमिंग डिटैच्ड ग्रेजुअली। यही न्यारापन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। दिस वेरी डिटैचमेंट विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सूर्यवंशी बच्चे है ना, दे आर द सूर्यवंशी चिल्ड्रन, aren't they? जैसे सूर्य किसी से लगाव वाला नहीं होता है। जस्ट लाइक द सन इजंट अटैच्ड टू एनीवन। सबसे न्यारा रहता है। ही स्टेज डिटैच्ड फ्रॉम एवरीवन। वैसे तुम बच्चे न्यारा पार्ट बजाते हो सभी धर्म पिताओं के मुकाबले। सिमिलरली यू चिल्ड्रन प्ले अ डिटैच्ड पार्ट कंपेयर टू ऑल द रिलीजियस फादर्स। नानक हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य हो और सब मठ पंथ वाले गुरुओं ने कोई न्यारापन दिखाया है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। वेदर इट इज नानक, क्राइस्ट, बुद्धा, शंकराचार्य और द गुरुज ऑफ ऑल द रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, दे हैव शोन सम डिटैचमेंट नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। तभी तो उनको दुनिया इतना प्यार करती है। ओनली देन द वर्ल्ड लव्स देम सो मच। सब धर्म पिताओं की दृष्टि से ही न्यारापन झलकता है। डिटैचमेंट ग्लीम्स इवन इन द विजन ऑफ ऑल दीज रिलीजियस फादर्स। निराकारी दृष्टि है, निराकार के निराकार बच्चे हैं। दे हैव एन इनकॉर्पोरियल विजन, दे आर द इनकॉर्पोरियल चिल्ड्रन ऑफ द इनकॉर्पोरियल वन। क्लास में और बाहर में जो वृत्ति चलती है उसमें न्यारापन दिखाना है। यू शुड शो डिटैचमेंट फॉर द वाइब्रेशंस इन द क्लास एंड इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तभी तो प्यारे बनेंगे। ओनली देन यू विल बिकम डियर। मन से, वाचा से, कर्मणा से शुद्ध बनना है। यू शुड बिकम प्योर थ्रू द माइंड, स्पीच एंड एक्शंस। और शुद्धता ज्ञान सहित वो पवित्रता रखनी है। एंड यू शुड मेंटेन दैट प्यूरिटी अलोंग विद द नॉलेज। क्यों? वाय? अपवित्रता से, पांच विकारों से छूटने के लिए पवित्रता रखनी है। यू शुड मेंटेन प्यूरिटी टू बिकम फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी एंड द फाइव वाइसेस। 7 अक्टूबर 1959 की वाणी का चौथा पेज। फोर्थ पेज ऑफ द वाणी डेटेड 7 अक्टूबर 1959। तो ज्ञान सहित पवित्रता रखी जाती है। सो प्यूरिटी इज मेंटेन्ड अलोंग विद बीइंग नॉलेजेबल। जिस पवित्रता से बुद्धि विशाल होती है। द इंटेलेक्ट बिकम्स ब्रॉड थ्रू प्यूरिटी।
नहीं तो मूत पली की बनते रहने से बुद्धि संकुचित बन जाती है। अदरवाइज द इंटेलेक्ट बिकम्स नैरो बाय कंटिन्यूअसली बिकमिंग मूत पली। बुद्धि विशाल होती है तभी लाभ होगा। यू विल बी बेनिफिटेड ओनली व्हेन योर इंटेलेक्ट इज ब्रॉड। जबकि तुम बच्चों में पवित्रता भी हो और ज्ञान भी। यू चिल्ड्रन शुड हैव प्यूरिटी एज वेल एज नॉलेज। तो तुम पांच विकारों के ऊपर भी ध्यान रखते हो तो न्यारापन आता जाएगा। सो यू पे अटेंशन टू द फाइव वाइसेस एज वेल देन यू विल कीप बिकमिंग डिटैच्ड।